क्या नाम हुआ? कमर रिजवे। 20 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा है हम लोगों की और बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है, बगैर किसी को किसी तरह की कठिनाई दिए हुए। ट्रैफिक भी मूवमेंट कर रहा है रोड पे, नेशनल हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं। बावजूद कितने लोग होंगे? तकरीबन कम से कम 10,000 लोग से ज़्यादा लोग हैं और यह सिलसिला बढ़ता जाएगा नवादा टाउन तक, और भी गांव के लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे। ये कानून हर उस इंसान के खिलाफ है जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं। ये संविधान की धारा, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संविधान की धारा ये अनुच्छेद 14 कहती है कि भारत का हर एक नागरिक समान है, लेकिन ये जो कानून आया है सीएए गवर्नमेंट लेकर आई है, इसमें सिर्फ 6 धर्मों की बात है, उसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को बाहर रख दिया गया है। एक तरफ सरकार का ये तर्क है कि हम पड़ोसी मुल्कों को इसमें शामिल कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रताड़ित हैं धार्मिक आधार पर हम उनको ये कानून देकर सुरक्षा दे रहे हैं, तो भारत के और जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, उसको आपने क्यों शामिल नहीं किया? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पूरे हमारे पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका में है। जो हिंदू यहाँ के हैं वहाँ पे निवासी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं, आप उनको इस कानून में क्यों शामिल नहीं किया? तो मेन मुद्दा सरकार का ये है कि किसी भी तरह जो हम महंगाई में फेल हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात सरकार ने करी थी, आज रोजगार नहीं है। महंगाई दर पिछले 55 महीनों में सबसे ज़्यादा है, पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इस देश में। भारत में पहली बार हो रहा है कि ट्रेनों को बेचा जा रहा है, 150 प्राइवेट ट्रेन की तरफ कदम बढ़ा दिया है सरकार ने, उसकी बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तेजस ट्रेन के रूप में 2 ट्रेन इंडिया में ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। एक कहावत है घर में कि सपूत बेटा वही है जो माँ बाप के संपत्ति को बचा ले कम से कम, बनाए नहीं तो, और कपूत बेटा वो है जो माँ बाप की संपत्ति को बेच डालता है। ये सरकार जो है कपूत सरकार है, क्योंकि ये भारत की संपत्ति को बेच रही है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कि नवरत्न कंपनी है, जो मुनाफे में कंटिन्यू चल रही थी, उसके शेयर को 29% अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया है गवर्नमेंट ने। ये क्या है? इस तरह की चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सीएए कानून, एनपीआर, एनआरसी के तरह, एक तरफ प्रधानमंत्री जी रामलीला के मैदान में बोलते हैं कि एनपीआर एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, सदन के अंदर गृह मंत्री के तौर पे गृह मंत्री कहते हैं कि इस देश में 2024 के पहले एनआरसी होकर रहेगा। सदन में 9 बार आपने बोला है, तो गृह मंत्री का सदन का वक्तव्य वैल्यू रखता है या प्रधानमंत्री का एज ए पार्टी लीडर वैल्यू रखता है जो रामलीला मैदान में आपने भाषण दिया? आप लोगों को बरगला रहे हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं है। अभी जो ये लोकसभा का शुरू हुआ सत्र, जो संयुक्त सत्र था, उसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति का ये बयान है कि एनपीआर के तरफ काम होगा और एनपीआर एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है। आप गृह मंत्रालय के वेबसाइट पे जाइए, सीएए का कानून पढ़िए, एनपीआर का कानून पढ़िए, उसमें आपको दिखेगा कि एनआरसी का फर्स्ट स्टेप एनपीआर है। अब ये सरकार कहती है कि एनपीआर कांग्रेस ने शुरू किया था 2010 में। भाई जो कांग्रेस ने शुरू किया था, 14 सवाल थे उसमें, आपने 21 कर दिया। आज आप वही 14 सवाल पूछिए, क्यों आप 21 पूछ रहे हैं आज इस बात को लेकर? सवाल तो उठेगा, और जब तक ये काला कानून वापस गवर्नमेंट नहीं लेती है, हम लोग इसी तरह से शांतिपूर्वक सद्भाव के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के साथ इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोगों का ये शांति मार्च चलता रहेगा जब तक भारत सरकार ये कानून वापस नहीं।